गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 7 के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 पे बात करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है इनसाइड द अर्थ, है ना, कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो किस प्रकार से है। सारी चीजों को हम लोग एक एक करके डिटेल में समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ कि अर्थ का आंतरिक संरचना जो है वो हमारा कैसा है। द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर। खैर है कि हमारा अर्थ का जो संरचना है, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल किसकी तरह है, प्याज की तरह, ऑनियन की तरह। जैसे आपके घर पे किचन में जाके मम्मा के पास देखना, ऑनियन का एक लेयर हटाओ तो उसके बाद दूसरा लेयर मिलेगा, दूसरे के बाद तीसरा लेयर, तीसरे के बाद चौथा लेयर। तो उसी तरह से हमारा अर्थ के अंदर भी एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, इस तरह से लेयर पर लेयर आपका बना हुआ है, ठीक है। वही कह रहा है कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स, कई लेयर्स से ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है। With one inside another, एक के नीचे दूसरा लेयर है। The uppermost layer over the earth surface is called the crust. जो सबसे टॉप लेयर है, ये जो सबसे टॉप लेयर है वो क्या कहलाता है, क्रस्ट, ठीक है। सबसे जो टॉप लेयर है वो आपका क्रस्ट है। It is the thinnest of all the layers. जितने भी लेयर्स है उनमें ये सबसे पतला लेयर है, कौन सा, क्रस्ट, ठीक है। क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। यहां समझने की कोशिश करिए कि सपोज दैट ये ओशियन है, ये क्या है आपका, ओशियन है, ये ओशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये लैंड को यानी कि कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ओशियन में इसका जो डेप्थ है वो केवल कितना है, 5 किलोमीटर। ओशियन में इसका डेप्थ कितना है, 5 किलोमीटर, और लैंड पे इसका जो डेप्थ है वो कितना है, 35 किलोमीटर क्रस्ट का, ठीक है। तो क्रस्ट का हम लोगों ने देखा रेंज कितना है, क्रस्ट का रेंज कितना हो गया, 5 किलोमीटर से लेकर कितना, 35 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कहां पर है, ओशियन में, ठीक है, और 35 किलोमीटर कहां पे है, लैंड्स पे यानी कि कंटिनेंट्स पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लेयर पे हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, कौन सा लेयर, क्रस्ट, और इसका डेप्थ कहां पे कितना ये हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। कह रहा है कि ये जो आपका एरिया बना हुआ है, कौन, क्रस्ट, क्रस्ट जो है वो क्रस्ट लैंड पे जो आपका क्रस्ट है, क्रस्ट अभी हमने बताया ना कि लैंड पे यानी कि कॉन्टिनेंट पे जो आपका क्रस्ट है वो दो मिनरल्स से बन मिलकर बना है। एक पहला कौन है, सिलिका, और दूसरा कौन है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, ये दो चीजों से बना है। तो ये दोनों का फर्स्ट नेम Si4 क्या हो गया, सिलिकॉन, और Al का मतलब क्या हो गया, एल्यूमिनियम। तो इसको क्या कहेंगे, सियाल, शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, सियाल, ठीक है। यानी कि क्रस्ट, कौन सा क्रस्ट, जो कॉन्टिनेंट्स पे है, कौन सा क्रस्ट, कॉन्टिनेंट्स पे है, वो मेनली क्या से बना हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम से, सिलिका और एल्यूमिनियम। इस लेयर को सियाल कहते हैं, इस लेयर को क्या कहते हैं, सियाल। एस आई से क्या हो गया, सिलिकॉन, और Al से क्या हो गया, एल्यूमिनियम। एस आई से सिलिकॉन और Al से एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से आप लोग देखोगे, ठीक है, कि जो क्रस्ट, जो क्रस्ट कहां पे है, ओशियन में, जो क्रस्ट आपका कहां पे है, ओशियन में, ये भी दो तरह के मिनरल्स से बने हुए हैं। एक पहला कौन हो गया, सिलिकॉन, पहला कौन हो गया, सिलिकॉन, और नंबर टू कौन हो गया, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। तो यहां पर भी याद रखिएगा, सिलिकॉन का SI और मैग्नीशियम का क्या ले लिए, MA,
तो इस लेयर का नाम क्या पड़ गया? सीमा। इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सीमा। यानी कि क्रस्ट पढ़ रहे थे, क्रस्ट क्या है? अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, ठीक है। कंटिनेंट पे इसका जो डेप्थ है वो कितना है? 35 किलोमीटर। ओशियन में इसका डेप्थ कितना है? 5 किलोमीटर। क्रस्ट जो आपका कंटिनेंट्स पे है वो दो मिनरल से बना हुआ है, सिलिकॉन से और एल्यूमिनियम से। इसलिए इस लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सियाल। जो क्रस्ट आपका किस चीज से बना हुआ है, सॉरी कहाँ पे? ओशियन में। ओशियन में वो भी दो तरह के मिनरल से मिलकर बना हुआ है, एक सिलिकॉन से और एक मैग्नीशियम से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? सीमा। इसका नाम क्या है? सीमा, ठीक है। इसी चीज को यहाँ पे मैंने बताया हूँ, इट इज दस कॉल्ड सियाल। सियाल का मतलब एस आई से क्या हो गया? सिलिका, और ए एल से क्या हो गया? एल्यूमिना। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, इट इज देयर फोर कॉल्ड, ये हट गया यहाँ पे, सीमा। यहाँ पे क्या कहलाएगा? सीमा। कोई प्रॉब्लम है? क्रस्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए, यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से हम लोग को समझने में आएगा कि अर्थ का जो तीन लेयर है वो कौन कौन है। सबसे पहला लेयर जो आपका वो कौन सा है? मैंने बताया क्रस्ट। ये वाला जो लेयर है वो कौन सा है? क्रस्ट, ठीक है। उसके बाद ये लेयर आपका क्या कहलाता है? मेंटल। और थर्ड लेयर को हम लोग कहते हैं कोर। थर्ड लेयर कौन सा है? कोर। कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और आपका थर्ड क्या है, सॉरी इसका सेकेंड पार्ट क्या कहलाएगा? इनर कोर। यानी अर्थ का तीन लेयर कौन कौन सा हम लोग पढ़े, तो याद रहना चाहिए क्रस्ट, मेंटल और नंबर थर्ड कोर। कोर में हम लोग दो तरह का पढ़े, एक आउटर और नंबर टू इनर, ठीक है। एक आउटर हो गया, दूसरा कौन हो गया? इनर कोर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए, इस पिक्चर के माध्यम से भी और खूबसूरत हम लोग देख सकते हैं। ये जो लेयर है ये आपका क्या है बताएंगे? ये आपका क्या कहलाएगा? क्रस्ट। ये क्या हो गया? मेंटल। ये क्या हो गया? मेंटल। ये हो गया आउटर कोर। ये आउटर कोर। और ये जो हो गया वो क्या हो गया? इनर कोर, ठीक है। इनर कोर। कोई दिक्कत? समझ गया मैं? समझ में आ गई? अब चलिए, क्रस्ट के बाद नंबर टू जो हमारा है वो क्या है? मेंटल। क्रस्ट के बाद मेंटल। मेंटल इज जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। मेंटल किसके नीचे है? क्रस्ट के नीचे। सपोज दैट ये आपका क्रस्ट है, तो ये आपका क्या है? मेंटल है, ठीक है। ये आपका मेंटल हो गया, ठीक है। Which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। इसका जो डेप्थ है वो कितना है? 2900 किलोमीटर। किसके नीचे? क्रस्ट के नीचे। यानी मेंटल का डेप्थ जो है, गहराई जो है, वो क्रस्ट से कितना किलोमीटर नीचे तक है? 2900 किलोमीटर तक, ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। और सबसे लास्ट का जो है वो कौन सा कहलाता है? कोर। विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। आपको याद रखना है कोर का रेडियस, कोर का रेडियस जो है वो कितना है? 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड ऑफ निकेल एंड आयरन। आयरन को ही क्या कहते हैं? फेरस। ये क्या से बना हुआ है? निकेल से और फेरस, फेरस मतलब आयरन से। इसीलिए इसे किस नाम से जानते हैं? नीफे के नाम से। इसे किस नाम से जानेंगे? नीफे के नाम से, ठीक है। वही लिख रहा है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकेल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नीफे। निकेल एंड एफी, एफी मतलब फेरस, फेरस मतलब आयरन, आयरन मतलब लोहा, ठीक है। द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो हमारा सेंट्रल कोर है, ये जो सेंट्रल कोर अभी हम लोग देख रहे हैं पिक्चर पे, है ना, यहाँ पे प्रेशर भी क्या है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर है,
ठीक है, टेम्परेचर कैसा है? बहुत हाई, ठीक है, और प्रेशर भी आपका यहाँ पे क्या है? बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। कहाँ पे? इनर कोर में, ठीक है, इनर कोर में। द सेंट्रल, ये मैंने बता चुका हूं, द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई दिक्कत? रॉक।